उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के दिया सोमनाथ का, उसी के सौंदर्य का प्रकाश चाहे वो काबे में जलता हुआ दिया हो या सोमनाथ का चराग। स्वामी अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी की मंगल ध्वनि के साथ ये कदम बढ़ रहे हैं सबरीमाला की तरफ। प्राकृत सौंदर्य की गोद में कोट्टायम से लगभग 100 किलोमीटर दूर सबरीमाला। मुश्किल पहाड़ी रास्ते और घने जंगल पार करते हुए नर नारी बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं इस सफर में। यहां है स्वामी अय्यप्पा का मंदिर। इस मंदिर का दक्षिण भारत में वही महत्व है जो उत्तर में अमरनाथ का। कहते हैं भगवान अय्यप्पा भगवान विष्णु और शिव की देन है। लोगों का मानना है कि राजा राजशेखरा जो पास ही पंथलम के राजा थे, उन्होंने अय्यप्पा को सबरीमाला के घने जंगलों में पड़ा पाया था। उन्होंने ही बाद में सबरीमाला का मंदिर बनवाया। भगवान अय्यप्पा का प्रिय शिष्य था वावर नाम का एक मुसलमान सिपाही, जिन्हें बाद में वावर स्वामी के नाम से पुकारा गया। स्वामी अय्यप्पा का अपने भक्तों को आदेश था कि मेरे पास आने से पहले वावर स्वामी के मंदिर में जाओ। ये प्रथा आज भी कायम है। स्वामी अय्यप्पा के दर्शन प्राप्त करने से पहले लोग एक पीर का आशीर्वाद हासिल करते हैं। सर जमीने हिंद पर अक्वाम आलम के फिराक, काफले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया।